नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार से स्माइल टू टैब के ऊपर अपनी निक आईडी के माध्यम से जो होमवर्क है वो अपडेट करेगा। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो राइट जो कॉर्नर है अपना, उसको छोड़कर जो लेफ्ट कॉर्नर है उस पे तीन जो आडी रेखाएं हैं उस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से स्माइल टू का चुनाव कर लेंगे। फिर स्माइल टू का चुनाव करने के बाद में जो स्माइल क्लास टीचर डिटेल है, पहली टैब है, और उसके बाद में स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, ये दूसरी टैब है, और उसके बाद में स्टूडेंट वीकली डिटेल, ये तीसरी टैब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्माइल क्लास टीचर डिटेल की। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैप की है हमारे संस्था प्रधान में, जिस भी क्लास को हम पढ़ाते हैं वो सारी क्लासें इस पे क्लिक करने के बाद में हमको दर्शाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्ड है हमारा, हमारी क्लास, हमारा सेक्शन, वो सारी की सारी इसमें फिल करने के बाद में जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में है वो सारे के सारे हमारे सामने प्रदर्शित होंगे। उनके नाम देख लेने हैं, मोबाइल नंबर देख लेने हैं, और उसके पश्चात हमने उनको कौन कौन से जो माध्यम है उसमें जो अध्ययन करवाया है, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर बिना व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो भी साधन हमने अपनाए हैं उसमें वो चूज करना है, और उसके पश्चात कौन सा वीक जो उसमें काम आया है उसमें सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में सेव कर देना है। सबसे बाद में स्टूडेंट वीकली डिटेल। तो स्टूडेंट वीकली डिटेल जो लास्ट वाली टेब है, जैसे हमने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ क्लास, सेक्शन और ईयर और मंथ और वीक डालकर हम जो भी हमारा कार्य दिया गया है प्रत्येक स्टूडेंट को वो सारा का सारा हम यहाँ जांच कर सकते हैं। साथियों, ये जो स्माइल टू टेब है इसमें पर वीक हमको एक इंद्राज करनी है सूचनाएं। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये केवल डेमो के लिए है। ये जो सूचनाएं हैं ये आपको नहीं दिखाई गई है क्योंकि ये प्राइवेट सूचनाएं हैं। यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।